हेलो गाइस, मैं समीक्षा करवाल। वेलकम टू कोड फ्रिक्स अ चैनल मेड फॉर यू मेड बाय यू। सो लेट्स नाउ स्टार्ट टुडे जेएफसी प्रॉब्लम। आज के जेएफसी के प्रॉब्लम का नाम है कॉम्प्लीमेंट। मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है और रश्मि का इस बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रॉब्लम है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में अपने को गिवन क्या क्या है और ये क्वेश्चन अपने को क्या कहना चाह रहा है। तो इस क्वेश्चन में ना अपने को एक स्ट्रिंग दी हुई है जिसके अंदर सब जीरोस और वन स्टोर्ड है। अब अपने को करना क्या है, अपने को एक इस स्ट्रिंग में से एक रेंज को सिलेक्ट करना है और उस रेंज के अंदर जो भी वैल्यू होगी ना उसका कॉम्प्लीमेंट कर देना है। जैसे अगर वन होगा तो उसका जीरो कर देना है और जीरो होगा तो उसका वन कर देना है। अब अपने को इस रेंज को सिलेक्ट कैसे करना है, अपने को इस रेंज को ऐसे सिलेक्ट करना है कि ताकि अपन जब भी कॉम्प्लीमेंट करें उसके बाद जो भी आंसर स्ट्रिंग आए ना उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस होने चाहिए। तो अब अगर अपन इस एग्जाम्पल से देखें तो इस एग्जाम्पल में सारे नंबर ऑफ वंस ही हैं, तो अगर अपन कोई भी रेंज सेलेक्ट करके उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो नंबर ऑफ वंस कम हो जाएंगे, इसलिए अपन ने -1 रिटर्न कर दिया कि अपने अपने को रेंज सेलेक्ट करने का कोई भी मेथड है ही नहीं। फिर जैसे अगर अपन इस वाले एग्जाम्पल में देखें तो इस वाले एग्जाम्पल में 1 0 था, तो अपन क्या बोल रहे हैं कि अपन रेंज को फर्स्ट पोजीशन पोजीशन से स्टार्ट करके फर्स्ट पोजीशन पे ही खत्म कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 1 ही 0 है, तो अपन अपन को सिर्फ उसी को कॉम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो उसको कॉम्प्लीमेंट करने के बाद अपनी स्ट्रिंग क्या बन जाएगी, 1 1, जिसके अंदर दो नंबर ऑफ वंस होंगे और मैक्सिमम मैक्सिमम यही होगा। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं कि अपन इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने ये वाला एग्जांपल लिया है। सबसे पहले तो अपन इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर अपने को सीधा सीधा मालूम है कि अपन रेंज को यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे खत्म कर देंगे तो अपने पास मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस आएंगे। एक बार फिर भी अपन आंसर लिख के देख लेते हैं। तो आंसर के आंसर में अपना क्या आएगा, सबसे पहले तो अपन ये वाले जो चार हैं इनको एज इट इज लिख देंगे क्योंकि अपनी रेंज का पार्ट नहीं है। तो अपन ने 0 1 1 एज इट इज लिख दिया। फिर इसके अंदर अपने को सारे डिजिट्स को कॉम्प्लीमेंट करना है। तो फिर 0 का अपन 1 बना देते हैं, फिर वापस 0 का 1 बना देते हैं, फिर 0 है तो मतलब 1 है तो 0 बना देते हैं, उसके बाद वापस 1 और 1 आ जाएगा। अब इसके अंदर कितने नंबर ऑफ वंस थे, इसके अंदर सिर्फ 4 नंबर ऑफ वंस थे और इसके अंदर कितने आ रहे हैं, 7 नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना मैक्सिमम पॉसिबल आंसर है, तो इसी को अपने को रिटर्न करना है। तो इसके अंदर लेफ्ट अपना कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट अपना स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 और 5 से। ठीक है, और अपना राइट कहाँ तक जा रहा है, अपना राइट जा रहा है 6 7 8 9 तक, 9 तक जा रहा है। तो अपने को इसी को रिटर्न करना है, लेफ्ट और राइट पोजीशंस को अपने को रिटर्न करना था, तो अपन ये रिटर्न कर देंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब अपन सॉल्व कैसे करेंगे अपन ये देख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए ना अपन सीधा सीधा कटाने यूज करेंगे, मतलब अपन अपना जहाँ पे भी जीरो एनकाउंटर होगा वहाँ पे अपन उस पोजीशन का लेफ्ट और राइट स्टोर कर लेंगे। फिर अपने को जैसे जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ जीरो, जैसे फर्स्ट अपने को यहाँ पे जीरो एनकाउंटर हुआ तो अपन ने लेफ्ट और राइट को ये कर दिया। फिर अपन क्या करेंगे, अपने को यहाँ पे 2 0 से एनकाउंटर हुए तो अपन बोल देंगे कि लेफ्ट को यहाँ से स्टार्ट करो और राइट को यहाँ पे खत्म करो। फिर अपने को दिखा कि यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ वंस हो सकते हैं तो अपन ने क्या किया, अपने लेफ्ट को यहाँ से स्टार्ट किया और राइट को यहाँ पे खत्म कर दिया। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए अपन सबसे पहले तो एक लेफ्ट बनाएंगे जिसके अंदर अपन ऑटोमेटिकली जीरो स्टोर करके रखेंगे कि अपनी लेफ्ट स्टार्टिंग में तो बाय डिफॉल्ट जीरो से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, अपन ने ये स्ट्रिंग इटरेट करना चालू किया, अपने को स्टार्टिंग में सबसे पहले जीरो मिल गया। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन एक वेरिएबल लेंगे lm और उसके अंदर ये स्टोर कर लेंगे कि अपने को एक जीरो मिल चुका है। तो अपन क्या कर देंगे, अपन ने बोला कि अपनी रेंज जो है उसका फर्स्ट वेरिएबल अपने को मिल गया, मतलब रेंज के अंदर एक एलिमेंट तो अपने को मिल गया है। और फिर सिमिलरली एक और अपन gm बनाएंगे और उसके अंदर अपन जीरो स्टोर करके देखेंगे इनिशियली। तो सॉरी गाइस, इनिशियली तो अपन ने जीरो स्टोर करके रखा है लेकिन फिर अपन ने कंपेयर किया कि जो एल एम है वो जी एम से बड़ा हो गया है, तो अपन क्या करेंगे, जी एम को एल एम के बराबर कर देंगे। अपन अपना जो ओरिजिनल लेफ्ट होगा, एल ई एफ टी लेफ्ट होगा, उसको अपने इस वाले लेफ्ट के बराबर कर देंगे, मतलब एल के बराबर कर देंगे, मतलब इक्वल्स टू जीरो के बराबर कर देंगे। और राइट को अपन अपने करंट इंडेक्स के बराबर कर देंगे। तो राइट में क्या हो गया, अपना अभी भी जीरो स्टोर्ड है क्योंकि अपन जीरो पे ही खड़े, तो अपना लेफ्ट और राइट जो ओरिजिनल वाला है वो 0 0 बन गया। तो अपनी रेंज कितनी हुई, ये वाली रेंज हो गई अपनी। ठीक है, और अपने जीएम में 1 आ गया, मतलब अपना क्या है कि अपन एक जीरो को तो कम से कम 1 कर ही सकते हैं। ठीक है, फिर अपन ने इट्रेट करना चालू किया। अब अपन ने इट्रेट किया तो अपने को नेक्स्ट नंबर मिला 1। ठीक है, 1 मिला तो अपन क्या करेंगे, अगर अपने को 0 मिलेगा तो अपन एल एम में 1 को ऐड करेंगे और अगर अपने को 1 मिलेगा तो अपन एल एम से 1 को माइनस कर देंगे। तो अपना एल एम में अपन 1 को माइनस करेंगे क्योंकि अपने को 1 मिला है,
तो अपन ने क्या किया, एलएम को जीरो कर दिया। अब अपन ने वापस इसको जीएम से कंपेयर किया, जीएम से कंपेयर किया तो जीएम में वन था, तो अपन एलएम वाली वैल्यू से अपग्रेड नहीं करेंगे जीएम को। फिर अपन ने वापस इटरेट किया, तो इटरेट करने पे वापस वन आया, तो अपन क्या बोलेंगे कि वापस वन से माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस वन हो गया। सिमिलरली वापस वन आया तो माइनस टू हो गया, ठीक है। अब अपने पास वापस जीरो आया, अब जीरो आया और अपन ने देखा कि जो एल एम है ना उसके अंदर मतलब नेगेटिव वैल्यू स्टोर्ड है, मतलब जीरो से भी कम वैल्यू स्टोर्ड है, तो अपन क्या करेंगे, अपन बोलेंगे कि एल एम में वन को स्टोर कर दो, ये वाला जीरो आया उसके लिए, और अपनी रेंज को यहाँ से स्टार्ट कर दो। मतलब अपन ने क्या बोला, अपनी रेंज को अपडेट करके, मतलब अपने डुप्लीकेट लेफ्ट को अपडेट करके यहाँ पे कर दो, मतलब इस वाली पोजीशन के बराबर कर दो। तो ये वाली पोजीशन क्या आएगी, अगर अपन जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग कर लें तो 0 1 2 3 4 फोर आई, तो अपन ने लेफ्ट को फोर कर दिया, ठीक है। फिर वापस अपन ने इटरेट किया तो वापस जीरो आया, तो अपने एल एम में क्या हो गया, अपने एल एम में आ गया टू प्लस वन करने से। अब अपन ने जी एम से कंपेयर किया, तो जी एम में वन स्टोर था और एल एम में टू स्टोर था, तो अपन क्या बोलेंगे कि जी एम में भी टू स्टोर कर दो और अपने लेफ्ट को कर दो एल के बराबर, जो कि हो जाएगा फोर, और अपने राइट को कर दो करेंट इंडेक्स के बराबर। तो करेंटली अपन यहाँ पे खड़े, तो अपन क्या बोलेंगे कि राइट को कर दो फाइव, ठीक है, अपना करेंट इंडेक्स के बराबर। फिर अपन ने वापस से चला, तो वापस से अपने पास वन आया, तो अपन क्या करेंगे एल एम में से वन को रिड्यूस करेंगे, तो अपना माइनस वन करके आ जाएगा वन, एल एम में वन स्टोर हो जाएगा। उसके बाद अपन वापस जीरो पे आए, जीरो पे आए लेकिन इस बार नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं है, मतलब जितने जीरो से उससे ज़्यादा वंस नहीं हो रहे। जैसे इधर तो माइनस टू आ गया था, तो अगर अपन ये वाली रेंज को कंटिन्यू करते तो इसके अंदर जितने जीरोज थे उससे ज़्यादा वंस थे, ठीक है। तो अपना क्या होता है कि अगर अपन इस वाली रेंज के अंदर कॉम्प्लीमेंट करते तो इसके अंदर वन जीरो 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 बन जाता, तो अपना क्या होता है कि इसके अंदर नंबर ऑफ वंस बढ़ने की जगह कम हो गए। लेकिन इसके अंदर अपने को पता है कि अपने अपने पास दो जीरोज हैं, इस वाली रेंज को अगर अपन कंटिन्यू करेंगे तो इसके अंदर अपने को पता है दो जीरोज और सिर्फ एक ही वन है, ठीक है। तो अगर अपन दो जीरोज को कॉम्प्लीमेंट करके, एक वन को कॉम्प्लीमेंट करके जीरो बन जाएगा, लेकिन दो जो वंस हैं उनको कॉम्प्लीमेंट करके दो वंस भी तो बनेंगे, तो एक वन को सेक्रीफाइस करना इनफ होगा अपने लिए, ठीक है। तो अपन ने ये कर दिया, अपन ने देखा कि जो नंबर ऑफ जीरोस है वो बड़े हैं नंबर ऑफ वन से, इसलिए अपन ने इस बार इसको वापस मतलब डिफॉल्ट पे सेट नहीं किया है। इसके बाद अभी जब भी वन वन आया तो अपन ने वन मतलब जीरो आया तो अपन ने वन ऐड कर दिया, तो ये वापस टू बन गया। टू और टू बराबर होते हैं, इसलिए अपन जीएम में कुछ भी अपडेट नहीं करेंगे। फिर अपन ने वापस जीरो एनकाउंटर किया, जीरो एनकाउंटर किया तो ये एलएम बन गया थ्री, ठीक है। अब जीएम में टू ही है तो अपन क्या करेंगे, जीएम में एलएम की वैल्यू को स्टोर कर देंगे, मतलब थ्री को स्टोर कर लेंगे, अपने लेफ्ट को एल के बराबर कर देंगे, अभी भी अपना एल फोर ही है, और अपना जो राइट है ना उसको अपन कर देंगे करेंट इंडेक्स के बराबर, मतलब 6 7 8 9 के बराबर, मतलब 8 के बराबर, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग से चले तो, ठीक है। तो अपना लेफ्ट हो गया ये, राइट हो गया ये। अब अपन क्या करेंगे, अपन सबसे पहले तो चेक करेंगे कि क्या आपने राइट में माइनस वन स्टोर है, मतलब अपने राइट में इनिशियली माइनस वन स्टोर था, जीरो स्टोर नहीं था, सॉरी गाइस। अगर अपना राइट में अभी भी माइनस वन स्टोर है, मतलब अपन कोई भी रेंज सेलेक्ट कर ही नहीं पाए, अपन कोई भी रेंज सेलेक्ट नहीं कर पाए, तो अपन क्या करेंगे, अपन माइनस वन को ही रिटर्न कर देंगे, नहीं तो अपन लेफ्ट प्लस वन राइट प्लस वन सेलेक्ट मतलब रिटर्न कर देंगे, क्योंकि अपन ने क्या बोला है कि अपनी जो उस वाले आंसर में होगा वो वन बेस इंडेक्सिंग से चलेगा रेंज। तो अपन ने 5 और 9 रिटर्न कर दिया और अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक बार अपन फिर से देख लेते हैं, अपन ने एक फेक लेफ्ट बनाया जिसके अंदर अपन जो मतलब अपने पास जैसे जैसे जीरो इनकाउंटर होता जाएगा उस रेंज का स्टार्टिंग इंडेक्स स्टोर करते जाएंगे। फिर अपन ने एक लोकल मैक्सिमम बनाया जिसके अंदर अपन देख रहे हैं कि अपनी रेंज क्या हो सकती है। फिर अगर अपनी रेंज ग्लोबल मैक्सिमम मतलब ग्लोबल रेंज से भी बड़ी हो जाती है तो अपन ग्लोबल रेंज में वो स्टोर कर लेते हैं और लेफ्ट और राइट को उसी के हिसाब से अपडेट कर देते हैं, और फिर लास्ट में जो अपनी लेफ्ट और राइट में होगा वो ही अपन रिटर्न कर देंगे। ये अपना सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको अगर अपन एक और एग्जाम्पल से देखें तो अगर अपन ले 1 1 1 1 0 0 1, लेट सपोज अपन ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, अपन अपनी रेंज को यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे एंड कर देंगे, तो अपना क्या हो जाएगा, ये सारे वंस बन जाएंगे। एक बार इसके अंदर भी अपन देख लेते हैं स्टोर करके, हाँ इसके अंदर भी अपन ने लेफ्ट को क्या किया, इनिशियली जीरो किया, एल एम को भी जीरो किया, पी एम को अपन ने
किया, लेफ्ट बनाया एक, लेफ्ट इसके अंदर 0 किया और राइट के अंदर -1 किया, राइट के अंदर -1 किया। ठीक है, फिर अपन ने इटरेट करना चालू किया। अपना लेफ्ट इनिशियली 0 है, अब अपने पास 1 एनकाउंटर हुआ है, 1 एनकाउंटर हुआ तो अपन क्या करेंगे, एलएम में से 1 को माइनस कर देंगे, तो अपना एलएम बन गया -1। फिर अपना ये जीएम से तो छोटा है इसलिए अपन जीएम में कोई भी अपडेशन नहीं करेंगे। फिर अपन ने वापस 1 एनकाउंटर किया तो अपन वापस -1 करेंगे तो -2 हो गया, फिर -3 हो गया, फिर -4 हो गया क्योंकि 4 नंबर ऑफ वंस थे। ठीक है, उसके बाद अपने को 0 एनकाउंटर हुआ, 0 एनकाउंटर हुआ और अपन ने देखा कि अपना जो एलएम है उसके अंदर नेगेटिव वैल्यू स्टोर्ड है। अब नेगेटिव वैल्यू स्टोर्ड है तो अपन क्या करेंगे, अपन इस एलएम को 0 बना देंगे फिर से, मतलब इस एलएम को 1 के इक्वल कर देंगे कि अपना लेफ्ट रेंज यहाँ से स्टार्ट कर दो, अपनी लेफ्ट रेंज यहाँ से स्टार्ट कर दो। तो अपन ने क्या किया, इस एल में क्या स्टोर कर दिया, ये वाले 0 का इंडेक्स मतलब 4 स्टोर कर दिया। ठीक है, और अपने एलएम में 1 आ गया। अब अपने जेम में सिर्फ 0 था और अपने एलएम में 1 था, तो अपन क्या करेंगे, इस जेम को भी 1 कर देंगे और अपने लेफ्ट को 4 कर देंगे और राइट को करंट इंडेक्स के बराबर मतलब 4 ही कर देंगे कि अपनी रेंज अभी यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ पे खत्म हुई है। फिर वापस 0 आया तो अपन ने अपने एलएम को 2 करा। फिर अपन ने देखा कि अपने जीएम में तो सिर्फ 1 स्टोर है तो अपन अपने जीएम में भी 2 स्टोर कर देंगे, लेफ्ट के अंदर एल की वैल्यू को स्टोर करेंगे और राइट के अंदर करंट इंडेक्स को मतलब 5 को स्टोर करेंगे। ठीक है, उसके बाद वापस अपन ने देखा कि 1 है तो अपन रिड्यूस करके एलएम को -1 कर दे, मतलब -1 करके इसको 1 कर देंगे, मतलब 2 था तो 1 हो जाएगा। फिर अपने जीएम में तो 2 स्टोर था तो अपन इसको अपडेट नहीं करेंगे और अपना लेफ्ट ये हो जाएगा, राइट ही हो जाएगा, तो लेफ्ट +1 मतलब 5,6 अपन रिटर्न कर देंगे कि फिफ्थ और सिक्स वैल्यू को अपन कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो अपने को मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस मिलेंगे। अब इधर अपन ने ऐसा क्यों किया कि इधर नेगेटिव वैल्यूज आई तो ही अपन ने अपडेट किया, और इधर अगर अपने पास पॉजिटिव वैल्यूज आती, मतलब जैसे अगर अपना एलएम 2 होता और 1 एनकाउंटर होता तो अपना 1 हो जाता, फिर वापस 0 होता तो अपन सीधा 2 कर देंगे, ऐसे 0 करके 1 नहीं करेंगे। ऐसा क्यों किया अपन ने, क्योंकि अपन ने देखा कि जैसे ये था इस वाले केस में कि 0 1 1 1, इस केस में अगर अपन कॉम्प्लीमेंट करेंगे ना तो अपने पास नंबर ऑफ वन ज्यादा है इस रेंज में और नंबर ऑफ जीरोस कम है, तो अपना क्या होगा कि अगर अपन इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो अपना नंबर ऑफ वन उल्टा रिड्यूस हो जाएंगे। लेकिन अगर ये वाला केस है कि 0 0 0 1 1, तो अगर अपन इस वाले केस में करेंगे तो इस वाले केस में अपने को दिख रहा है कि जो नंबर ऑफ वंस है ना वो कम है नंबर ऑफ जीरोस से, तो अगर अपना अपन 2 वंस खो के या फिर 1 1 1 1 वंस खो के अगर 3 वंस को पा रहे हैं, मतलब 3 वंस ऐड हो रहे हैं 1 वन माइनस हो के, तो अभी अपने 2 नंबर ऑफ वंस तो बढ़ ही रहे। ठीक है, मतलब 2 वंस तो एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं, इसलिए अपन ने बोला कि ये चलेगा, अगर अपन ने 1 वन को सेक्रीफाइस करके 2 या 3 वंस और ले लिए तो अपने को वो चलेगा, इसलिए अपन ने इधर 0 नहीं किया। और अगर अपने माइनस में आ गया तो अपने को हम पता है कि अपने पास नंबर ऑफ वंस इधर ज़्यादा हो रहा है, इसलिए अपन ने इधर 0 कर दिया कि नंबर ऑफ वंस ज़्यादा होंगे तो अपन कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, ये अपना सिंपल सा सोल्यूशन था, एक बार इसका कोड देख लेते हैं। तो इसके कोड के लिए मैंने जो एल है उसको 0 किया, लोकल मैक्सिमम मतलब एलएम को 0 किया, ग्लोबल मैक्सिमम मतलब जीएम को 0 किया, लेफ्ट को 0 किया और राइट को -1 कर दिया। फिर मैंने पूरे अपना जो स्ट्रिंग है उसके अंदर से इटरेट करना चालू किया। फिर मैंने, हाँ इधर तो अपन 0 को आइडेंटिफाई कर रहे थे कि अगर 0 है तो अपन लेफ्ट में 1 कर देंगे और 1 है तो अपन लेफ्ट में -1 कर देंगे। ठीक है, मतलब एलएम में -1 कर देंगे। इधर अपन क्या करते हैं, मतलब अगर 0 होगा, अगर मतलब अपनी स्ट्रिंग की जो वैल्यू है अगर वो 0 आएगी तो अपन क्या करेंगे, नम की वैल्यू को 1 कर देंगे, और अगर अपनी स्ट्रिंग की वैल्यू 1 आएगी तो अपन नम की वैल्यू को -1 कर देंगे, और फिर इसी नम की वैल्यू को अपन लोकल मैक्सिमम में मतलब एलएम में ऐड करते जाएंगे। फिर देखो, अपन ने देखा कि सबसे पहले तो अगर लोकल मैक्सिमम की वैल्यू 0 से भी छोटी हो गई है, 0 से भी छोटी हो गई है, तो अपन ने क्या बोला कि अपने लेफ्ट को अपडेट करके ये वाला 1 कर दो। ठीक है, उसके बाद जो भी 0 एनकाउंटर होगा ना, मतलब जैसे इधर 0 इनकाउंटर हुआ है, ठीक है, तो अपन ने देखा कि इसके पहले जो एलएम की वैल्यू थी वो माइनस में मतलब नेगेटिव में चली गई थी, तो अपन क्या बोलेंगे, अपनी रेंज को यहाँ से स्टार्ट कर दो। तो अपन ने क्या बोला कि अपने लेफ्ट में मतलब एल में आई को स्टोर कर दो और अपने लोकल मैक्सिमम को नम के बराबर मतलब 1 के बराबर कर दो, मतलब रीसेट करके 1 कर दो। ठीक है, उसके बाद अपना मतलब अभी तो ये वाला केस नहीं, अपने लोकल मैक्सिमम में 0 स्टोर है तो अपन क्या करेंगे, इसको लोकल मैक्सिमम को नम के अंदर ऐड कर देंगे, मतलब इसके अंदर जो भी वैल्यू एलएम के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है उसके अंदर नम को ऐड कर देंगे, मतलब 0 है तो अपन 1 ऐड कर देंगे।
ठीक है, उसके बाद अपन ने बोला कि अगर लोकल मैक्सिमम बड़ा है ग्लोबल मैक्सिमम से, तो लोकल ग्लोबल मैक्सिमम में लोकल मैक्सिमम की वैल्यू को स्टोर कर दो। अभी अपना लोकल मैक्सिमम में 1 स्टोर्ड है और ग्लोबल मैक्सिमम में कुछ नहीं, 0 स्टोर्ड है। तो अपन क्या कर देंगे, लोकल मैक्सिमम को ग्लोबल मैक्सिमम के इक्वल कर देंगे, मतलब इधर भी 1 कर देंगे। फिर अपन लेफ्ट जो होगा उसके अंदर एल को स्टोर करेंगे। लेफ्ट के अंदर अभी इस वाली के लिए चल रहे हैं ना अपन, तो इनिशियली 0 स्टोर्ड है ये 4, तो इस वाला ये वाला केस आ गया। तो एल के अंदर 0 स्टोर्ड है, तो अपन लेफ्ट के अंदर भी 0 ही स्टोर कर लेंगे, ठीक है। और राइट के अंदर करंट इंडेक्स जो भी 0 है, आई जो कि करंट इंडेक्स है वो भी 0 है, तो उसको स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे कर करके अपने लेफ्ट के अंदर लेफ्ट रेंज स्टोर हो जाएगी और राइट के अंदर राइट वाला रेंज स्टोर हो जाएगा, ठीक है। मतलब दोनों एंड पॉइंट स्टोर हो जाएंगे। और अगर अपना जैसे ये 111 वाला केस है, 111 वाला केस भी देख लेते हैं एक बार अपन, ठीक है। 111 वाला केस है, इसके अंदर अपन ने लेफ्ट को 0 किया, मतलब जो डुप्लीकेट लेफ्ट है उसको 0 किया, एलएम को 0 किया, जीएम को भी 0 किया। एक बार अपन इसी से इटरेट करके देख लेते हैं, क्योंकि लेफ्ट और राइट को मतलब अपडेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर अपन ने देखा कि 1 आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, लोकल मैक्सिमम से एक वैल्यू को रिड्यूस कर देंगे, तो -1 बन जाएगा। फिर अपन ने देखा कि जो जीएम है वो ऑलरेडी 0 है, तो अपन उसको अपडेट नहीं करेंगे, फिर -2 बन जाएगा, और सिमिलरली -3 बन जाएगा, ठीक है। और अपना वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो अपन ने देखा कि अपन ने जीएम को कभी भी अपडेट नहीं किया, और अपने जो राइट है उसके अंदर -1 ही स्टोर्ड है। अब -1 स्टोर्ड है, तो अपन क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे -1, नहीं तो अपन लेफ्ट रेंज +1 और राइट रेंज +1 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ये अपना सिंपल सा सोल्यूशन है, होप आपको समझ में आया होगा। एक बार इसको सबमिट भी करके देख लेते हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल सबमिट हो रहा है, मतलब एकदम एक्यूरेट सोल्यूशन है। होप आपको समझ में आएगा। अगर आपको समझ आया, वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट है। थैंक यू सो मच।